ओए बॉय चार्ली, तूने दिल की बाजी मार ली। इन बैंकॉक नसीब से हमको फ्लाइट मिल गई और हम पहुंच गए, वरना आज तो बस 13 घंटे की बस करके आनी पड़ती। और आप लोगों को पता है क्या द बेस्ट न्यूज दैट वी गॉट हियर वाज लाइक व्हाई व्हाई मेरा कॉम्पिटिटर यूट्यूबर है ये। नो आई एम नॉट हर कॉम गुड बियॉन्ड योर लीग आई एम ऑन माय लीग एनीवेज लेट मी टॉक टू माय पीपल शट अप ओके ओके सो गाइज और आते ही पहले हमें इतनी बढ़िया सी न्यूज़ मिली है ना। सो कल क्वीन या प्रिंसेस किसी का तो बर्थडे है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब कन्फ्यूज थे, बट वट एवर इट इज किसी का तो बर्थडे एंड सो देर आर लॉट ऑफ डिस्काउंट्स ऑन ट्रैवल पैकेजेस हियर इन द सिटी। एंड इन फैक्ट हम रिटर्न लगेज में भी 5 किलो एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, मतलब बैंकॉक में 5 किलो एक्स्ट्रा समझ में आता है कितनी खुशी की बात है, बिकॉज यू गोना शॉप अ लॉट एंड प्लस ऑफकोर्स वी आर तो स्पेशली योर ओनली टू शॉप, क्योंकि घूमना तो हमारा सब जगह ऑलरेडी हो चुका है फुकेट एंड पटाया, सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस व्लॉग इफ यू हैवंट येट। एंड ऑल्सो आई प्लान अ लॉट फॉर टुडेज डे, सो वी नॉट ओनली गोना बी शॉपिंग योर, वी गोना बी एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल प्लेसेज जो मैं लास्ट टाइम आई थी बैंकॉक और मैंने देखा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम हम बैंकॉक से चिल करने आए थे, बट दिस टाइम वी गोना गो अराउंड एट ब्यूटिफुल लोकेशंस एंड वी गोना शॉप अ लॉट, सो बी रेडी फॉर इट। अंदर एयरपोर्ट पे यू विल गेट अ मिनी लिमो बस और यू कैन गेट अ पब्लिक टैक्सी बॉथ फ्रॉम आउटसाइड। कॉन्फिडेंस चेक करा था मैंने, बाजू में रहे तो ब्लॉक करना आना चाहिए, पब्लिक है, मैं नॉर्मल आम आदमी है, मैं देखता है ऐसा ही दिखता है। प्रॉब्लम क्या है भाई तुम लोगों की? हम लोग को लग रहा था कि पब्लिक टैक्सी विल बी मच मोर चुप रहे ना, ये बैगेज टैग तुमने लगाया मेरे हाथ पे वेस्ट। ओके सो आई वाज सेइंग के पब्लिक टैक्सीज यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली टू द इनसाइड लिमो बसेज जो होती है वो, क्योंकि पब्लिक टैक्सीज में या यहाँ पे लोगों को हाईवे पे भरना पड़ता है पैसा और अंदर सब कुछ इंक्लूसिव होता है। सो वी हैड ऑल्सो इंक्वायर्ड अबाउट इट, अंदर हम लोगों को कुछ अराउंड 500 बात पड़ रहा था फॉर गोइंग खाउसंग एंड वी थॉट पब्लिक टैक्सी माइट बी चीपर, सो वी केम आउटसाइड एंड टुक अ पब्लिक टैक्सी एंड इट कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 600। सो दैट्स ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव, सो कभी भी अगर आना हो ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल फ्रॉम द लिमो बस विच इज इन साइड, दिखने में एक्सपेंसिव लग रही है बट है एक्सपेंसिव नहीं। हेलो एंड वेलकम टू फेक व्लॉगिंग। एक कैसा इंजीनियर है रे माटिया में रे, बिल्डिंग बनाया है इन नीचे का तो बनाया नहीं रे बाबा, शर्ट पहन के पैंट तो पहना ही नहीं रे बाबा, इधर यहाँ बैंकॉक में बहुत ओपन है रे पब्लिक, तो डर लगता है मेरे को इसके लिए, कभी भी लोग आके बोलते बूम बूम। He's talking about this building, right? Don't worry, Zoya, टाइगर अभी जिंदा है, रोर करेगा रोर। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कार्ड घुमा दिया ना तो समझ जाना कार्ड का बहुत सही इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि दे डोंट नीड पिन कोड्स योर पिन नंबर्स एनी वेयर वेन यू यूज योर कार्ड, यू जस्ट हैव टू गिव देम द कार्ड, दे विल गिव यू अ स्मॉल डॉक्यूमेंट, इट्स लाइक अ रिसिप्ट जो तुम्हें साइन करना है, जिस पर किसी की भी साइन चलती है, उनको पता भी नहीं है कि वो तुम्हारी साइन है किसी और की। सो डोंट लूज योर कार्ड्स इन द एंटायर थाईलैंड, लेट इट बी बैंकॉक, फुकेट और पटाया। थैंक यू सो मच। ओए बॉय चार्ली,
tune dil ki bazi maar li. And why do you have to do that? Oi boy, I just want to sing that song. That's it. Okay. So this one is my bet. Okay, I'm loving it. Hostel acha hai yaar kafi hai. And niche I can see pool and all. इसलिए मैंने इन लोगों से ये वाला ले लिया और इन लोगों का है ये वाला. Hey, what's up? लाइट चालू कर ना, कुछ दिख नहीं रहा. कार्ड डालना अंदर. अरे कहाँ डाल? हाँ देख वहाँ पे कार्ड है. वो फाइनली हो गई लाइट चालू. जूते संभाल के. हाँ तो ये है हमारा हॉस्टल का रूम. कैसा लगा? मस्त लगा यार मुझे मेरा वाला. खाने के लिए भूख लगी है. एंड यहाँ पे क्या सीन है यार, रात को दे रियली क्रेजी. लेट मी जस्ट शो इट यू. सो हैव पीपल प्लेइंग पिंग पोंग और वी हैव अ पूल राइट देयर. तो कुछ लोगों ने हमको यहाँ पे बोला कि खालसन स्ट्रीट में बहुत सेक्सी पार्टी हो रही है. तो फिर इट्स लाइक राइट एट द कॉर्नर आउटसाइड द होटल. सो देयर हॉस्टल यार आने तो नहीं पड़ेगी हॉस्टल बोलने की. सो वी गोना गो देयर नाउ फॉर अ ड्रिंक फॉर टू एंजॉय द नाइट लाइफ एंड फूड. लुली लुली लुली. व्हाट आर यू डूइंग? आर यू ट्राइंग टू स्केयर द डॉग और पेट द डॉग? आई जस्ट आस्क. ए सफोकेट होके मर जाएगा रे बाबा. पहली बार देखा है हिप्पो और कुत्ता दोस्त. सो फाइनली आई बिलीव हम खालसान पहुंच ही गए. So hostels is all about meeting friends late night. Hey guys, what's up? Hi. So hostels is all about meeting people late night whenever you want. मतलब यहाँ पे सब चिल्ली करते रहो यार, और कुछ है ही नहीं करने को. Actually ये एक जगह होती है जहाँ पे you can you know meet new people. No, stop doing that. अरे नहीं. She's a YouTuber. अरे यार. Sorry. She's a YouTuber.